मध्य प्रदेश के जबलपुर के पान नगर इलाके में ग्रामीणों को एक शव यात्रा को तालाब में से ले जाना पड़ा। गांव के ही दबंग लोगों ने मुख्य सड़क को ग्रामीणों के लिए बंद कर दिया था। शव यात्रा में शामिल सभी लोग तालाब के रास्ते शमशान तक गए। गोरखपुर की महापौर डॉक्टर सत्या पांडे को तिहाड़ जेल से धमकी भरा पत्र आया। उन्हें तिहाड़ जेल से टोनी ओजा नामक व्यक्ति द्वारा चिट्ठी मिली है कि वो 26 अगस्त तक अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बुलंदशहर के नरौरा इलाके में गंगनहर में कार से 3 लोगों की मौत हो गई है। कार बदायूं की तरफ जा रही थी और आगे यहां पर गोताखोरों ने 3 शवों को निकाला। बताया जा रहा है कि कार में कितने लोग थे अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गोरखपुर के गीदा में चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। दबकर की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीलीभीत रेलवे के टीटी की बीवी का अश्लील क्लिप बनाने के मामले में सामने आया। ये मामला आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर उससे 8 माह तक जबरन संबंध बनाता रहा। महिला के मना करने पर क्लिप को सार्वजनिक करने की धमकी मिलती थी। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। संत कबीर नगर जिले के HRPG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष धीरज पांडे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जख्मी युवक को लोगों ने अस्पताल में एडमिट किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाथरस हॉरर किलिंग मामले में पोस्टमार्टम के बाद फिर कब्र में दफनाया गया युवती का शव। पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई से हाथरस लाकर भाई और पिता ने की हत्या। गाजियाबाद में 2 युवकों से लूट की कोशिश कर रहे बदमाशों को पुलिस कांस्टेबल के रोकने पर हथियारबंद बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार दी और फरार हुए। वहीं पुलिस जख्मी कांस्टेबल की अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर में एक नाबालिग के साथ 2 लड़कों ने रेप का प्रयास किया। लड़की के शोर मचाने पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया और मामले की तफ्तीश जारी है। संभल में अपने रिश्तेदार के घर आई नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने का मामला आया सामने। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से कलयुगी मां की क्रूरता की खबर मीडिया में आने के बाद महिला ने अब अपने पति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। महिला ने अपने पति को सबसे गिरा हुआ इंसान बताया और अपने बच्चे को मारने वाले वीडियो को गलत करार दिया गया है। झांसी पुलिस और ATS ने निर्माणाधीन मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक छड़े बरामद की। वहीं पुलिस में छापेमारी में एक चरण सिंह नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। मेरठ में जुए में पैसे के लेन देन को लेकर सटोरियों ने एक युवक को गोली मार दी जिससे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से परिजनों का हाल बेहाल। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हापुड़ में बेखौफ चोरों ने एक साड़ी सेंटर के बाहर से ताला तोड़कर एक बाइक चोरी कर ली। मौके से फरार। फिलहाल पुलिस कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।